ना जात पर ना पात पर मोर लगेगी, नगरोटा बगुआ के विकास पर मोर लगेगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री जीएस बाली आज अपने लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन इन नारों की गूंज आज भी नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में जिंदा है। जीएस बाली ने मुहिम कोविड काल में ही शुरू की थी, वो मुहिम आज रंग लाती दिख रही है। यूं ही नहीं, जीएस बाली को विकास पुरुष की उपाधि मिली, ये उसी दूरगामी सोच का नतीजा है जिसकी झलक आज भी विकास के रूप में उनके विधानसभा में देखने को मिलती है। ये उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है जो आज नगरोटा बगवा के चंगर क्षेत्र में इंटरनेट का जाल बिछता जा रहा है। आज एक बार फिर यहां के लोगों को जियो टावर का तोहफा मिला। स्वर्गीय जीएस बाली के बेटे एवं एआईसीसी सचिव आरएस बाली ने कालीजन में लोगों से जियो टावर का फीता कटवाया और ये साफ कर दिया कि जो सपने नगरोटा के विकास के लिए स्वर्गीय जीएस बाली ने देखे थे, उन सपनों के साकार होने की रफ्तार कभी थमेगी नहीं। वो हमेशा कहते थे कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और उनने वो करके दिखाया। हमने उन विचारों को आगे लेके जाना, उन्होंने कभी भी छोटी चीज नहीं बोली, उन्होंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया, उन्होंने हमेशा बड़ा सोचा, उन्होंने आगे की तरफ देखा, विकास की तरफ देखा, काम करने की तरफ देखा, नई नई चीजें लाने की तरफ देखा। जो आखिरी व्यक्ति आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उस आखिरी व्यक्ति को पहचानना है और उसको आगे लेके आना है, उसकी मजबूरी को पहचानना है, उसके काम को पहचानना है, उसके काम को करना है, उन्होंने उस तरफ को देखा और पिताजी ने उसी तरफ को देखते हुए अपना रास्ता तय किया। रास्ता वो इंसान तय करता है जिस इंसान के अंदर सहनशीलता होती है, जिस इंसान के अंदर समर्पण होता है, जिस इंसान के अंदर कार्यशैली होती है, जिस इंसान के अंदर कर्म करने की नियत होती है, जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं। इससे पहले भी झीकली कोठी पंचायत के निहारगलु गांव को जियो टावर का तोहफा दिया गया था। इस क्षेत्र में करीब 25 पंचायतें आती हैं। अभी और भी गांव हैं जहां इंटरनेट की सुविधा के प्रयास किए जा रहे हैं। खुद जियो कंपनी के अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। ये बेसिकली अपने जीएस वाली सर थे, उन्होंने हमें मतलब एक साल पहले ये सब गांव के बताया कि उन्होंने 5-6 गांव का नाम बताया, जैसे ये रेड है, फिर ये कालीजन है, देन निहारगलू है, छू गेराई। इन्होंने बैठ के हमसे डिस्कस किया और हमें हमारा प्लानिंग के बारे में पूछा, तो हमने उस टाइम बाली सर को, जो आज खैर यहाँ पे नहीं है, बट उन्होंने हमें ये प्लानिंग पूछी और हमने वो शेयर की, और उसके बाद उसके प्लानिंग होने के बाद हमने ये सारे एक एक करके जो टावर चलाए, जैसे पहले निहारगलू था, अभी ये कालीजन जो है आज टावर स्टार्ट हो गया है, और उसके एक महीने के अंदर अंदर जो है जो छू घेरा वाला है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, और इससे पहले जो खप्पन वाला वो तो चल रहा है, वो ऑपरेशन है। कहने को तो कोरोना काल में सरकारों ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दिए, लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को इंटरनेट की सही सुविधा मिल पाई, ये एक बड़ा सवाल है। अगर सरकारें भी कोई फैसला लेने से पहले आम जनता की सुविधा के बारे में पहले से सोच लें, तो शायद लोगों को समस्याओं से न जूझना पड़े। मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।